लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा का नया वर्जन जारी कर दिया गया है जो कि कुछ ऐसा है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा बहन का ब्रेसलेट। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर टाइटल और थंबनेल देख के तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हमारी वीडियो आज किस टॉपिक पे है। हाँ तो भाई पेशे खिदमत है, चाइना बाजार का सेकंड हैंड नॉन पीटीए तुर्कश कॉपी, गरीबों का शाहरुख खान, मेड बाय पाकिस्तान। अबे बाबा सीर के मुठल मरीज, मैनू तो ये नहीं समझ आ रहा कि हजे तक ये जिंदा कहने हैं। जितने तक गल रह गई है शाहरुख खान बनन दी, अगर माचिस दी तीली उत्ते वेग लात जावे तो वह तेरे नालों बेहतर शाहरुख खान लगेगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया में एक शक्ल के सात बंदे होते हैं। अब उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर इस तरह के नॉन पीटीए होते हैं तो ना भी हो तो उस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये दुनिया वैसे की वैसी रहनी थी। मैनू तो ये लग रहा है कि जावे है तके ना शावत करना चाहता वा कि यार मैं शाहरुख खान वर्गा वा। अब इसको इसके मोहल्ले वाले भी बोलते होंगे, बेटा तेरा खादा पीता किथे जांदा वा, टेढ घुई ते मुंह चुई। इसके हिसाब से बाहर रख लेने से ये शाहरुख खान बन जाता है, तो इससे मैं यही पूछूंगा कि टेंड करवा देने से क्या मैं जॉनी सिंस बन जाऊंगा। शाहरुख खान बनना हुआ और भी आसान, सर पे बाल बढ़ाओ, आंखों पर चश्मा लगाओ और तुम बन जाओगे नॉन पीटीए शाहरुख खान। आंटी जिसको आप पुकार रही थी वो तो नहीं आया, लेकिन आपको किसी ने बुला लिया ग्रेविटी ने। अब ऐसी औरतें होती हैं जो अपने ही वजन से अपनी टूही मरवा, सॉरी मतलब क्या टूही तोड़वा लेती हैं। कोई शक नहीं कि जवानी एक ही बार आती है, लेकिन हमारी भी एक ख्वाहिश है कि आप भी हमारे सामने एक बार ही आएं। प्लीज दूसरी बार कभी मत आइए। गर्दन उस सज्जे पासे सोट के एडा वड्डा मुंह खोल के जबरदस्ती दा अजय देवगन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि आपकी जवानी कैमरे के अंदर ही घुस जाएगी, प्लीज कैमरे से जरा दूर होकर वीडियो बनाया करो। इस गरीबों के अजय देवगन को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके अंदर पहले हवा भरी, फिर ओवन में रखा और बाद में निकाल कर इसको पॉलिश किया है। अच्छा फर्ज करो क्या तुम्हारा एक करोड़ का नाम। हाँ फर्ज कर लो तुम्हारा एक करोड़ का। मैनू तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जानबूझ के पता नहीं तोतला बनाया कि पता नहीं पैदाइशी तोतला वा। ठीक है और तुम्हारा भाई यानी कि मैं किडनैप हो जाऊं और किडनैपर तुम्हारे से एक करोड़ रुपया मांगे मुझे बड़ी करने का, रिहा करने। हाँ किडनैपर तुमसे एक करोड़ रुपया मांगे मुझे रिहा करने का। ओ भाई क्यों एक करोड़ रुपया मांगे, तू ऐसी एक करोड़ की चीज है ही नहीं, तो तुम क्या करोगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्यों? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? एक दिन में दो दो इनाम एक इंसान के कैसे निकल सकते हैं, इतनी किस्मत। वैसे इस पूरी वीडियो मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि इन दोनों में से बहन कौन सी थी। जो पैदा होया दाई ने पैसे नहीं लेके नहीं पहना है था की लवा। काश ये दोनों मेकअप हाथों पैरों पे भी कर लेती तो देखने वालों को दिल तना खराब होता। किसी बंदे ने गाल कही कि गड्डी टहरा तो बुढ़ी पैरों तो पछाणी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा नॉन पीटीए होता है भाई, कुछ लोग पीटीए प्रूफ भी होते हैं। देखो अब जरा अब बाकियों को तो पता नहीं है, लेकिन ये सही बिल्कुल कॉपी है इमरान हाशमी की। कंटेंट कहीं और होता है, इसका कंटेंट सारा के सारे इसकी छाती पे पड़ा है। जब ये हिर रही होती है तो इसके साजिद और माजिद एक दूसरे को जफियां डाल रहे होते हैं। वो सलमान खान राधे भैया थे, ये सलमान खान आधे भैया हैं। इसको देख के तो ऐसे लगता है कि किसी ने इसको पकड़ कर इस्त्री कर दिया हो। इस जैसी अवाम जब पैदा होती है तो मस्जिद में ऐलान होता है कि मुबारक हो, वही हुआ जिसका डर था। ऐसा लगता है कि बगैरतों का नोट पीटिए ये सलमान खान वेल्डिंग करता है, चश्मा वही है देख लो, मैंने तो इसकी बोत ले ली, अब एक बंदा रहता जो इसकी लेगा। लो जी अब यही देखना बाकी रह गया था टिकटॉक पे। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ऐसे लोग ऐसी हरकतें कर कैसे लेते हैं भाई। अल्लाह तौबा मेरी। दरअसल बात ऐसी है कि ये भोसड़ी वाले बच्चे हैं, ये बच्चे रही हैं भाई, दरअसल इनको कुछ समझाने वाला नहीं है, बड़े होकर पछताएंगे। अरे भाई सॉरी ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होकर क्या बूढ़े होकर भी नहीं पछताते, खुद देख लो। ऐसा कोई अन्नी टिकटॉक दी बास्केटबॉल है जिसे काम में 24 घंटे फुदकना।
अगर यही हरकत किसी लोंडे ने की थी तो पुलिस ने इसे थाने में ले जाकर इसकी तशरीह पर डंडे मार मार के इसको तरबूज बनाकर वीडियो अपलोड करनी थी सॉफ्टवेयर अपडेटेड। यारो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करो।